Hello children, good morning. So children, today we will be starting our new chapter, that is use of in, on and under. बच्चों आज हम in, on and under का यूज करना सीखेंगे. इसे सीखने से पहले हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं. I and in, इनका मीनिंग होता है मैं. And on, O-N, on का मीनिंग होता है ऊपर. जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर होती है तो हम on का यूज करते हैं. And under, U-N-D-E-R, under. जब कोई वस्तु किसी चीज के नीचे होती है तो हम under का यूज करते हैं. तो let's start. इसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक टैडी का. टैडी जो कि बास्केट में है और बास्केट में है तो यहाँ हम इनका यूज करेंगे. टैडी चेयर के ऊपर है. इसे एक और एग्जांपल के लिए देख लेते हैं. यहाँ यदि कैट होती तो इसका सेंटेंस होता द कैट इज ऑन द चेयर. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. टैडी बेड के नीचे है तो यहाँ हम अंडर का यूज करेंगे. बेड. टेडी बेड के नीचे है. इस एग्जांपल के थ्रू और देखेंगे. कैट, कैट, द कैट इज